हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी। द मेन टॉपिक इज एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स स्टार्ट। एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैटेगराइज इन टू पार्ट, हार्ड एलिमेंट्स एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स। ठीक है, हार्ड एलिमेंट्स आर दैट एलिमेंट्स विच आर नॉट ईजिली we can change easily and modify easily, but if we are talking about the soft elements, we can easily change and modify soft elements of the organization. So start hard element. Hard element include three: strategy, structure and the system. तो ये हम जो स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हम इन सारी चीजों को इजिली चेंज नहीं कर सकते, ना ही इजिली चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? स्ट्रेटेजी। द ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू विन इन द मार्केट प्लेस, हाउ विल इट गेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। ठीक है, पहली चीज क्या हम बात कर रहे हैं? स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी क्या है? जो भी आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और जो भी आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो भी आपने प्लानिंग करी है, किस तरीके से आप वहां तक पहुंचोगे, ठीक है, तो वो आपकी क्या है? स्ट्रेटेजी है। अब स्ट्रेटेजी को आप इजीली चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, पहले अगर एक बार आपने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर ली तो आप क्या करोगे, जब उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो माइनर जो जहां जहां आपको कंट्रोलिंग करनी है वो माइनर चेंजेस आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सारी पूरी स्ट्रेटेजी एक साथ चेंज करके नए तरीके से काम शुरू कर दें। ठीक है, तो वो यहाँ लिखा हुआ है, इसीलिए इसको हार्ड एलिमेंट्स बोला है ऑर्गेनाइजेशन का। किस तरीके से आपको अपनी गुडविल को इंक्रीज करना है, द ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू विन द मार्केट प्लेस, कैसे अपने मार्केट प्लेस को आपको विन करना है, हाउ इट विल गेन, आपको कैसे एडवांटेज गेन कर सकती है। ठीक है, जो भी हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, तो स्ट्रेटेजी फ्रूटफुल होनी चाहिए, क्योंकि फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी आपको आप एज अ कंपेटिटिव एडवांटेज वहां पे यूज कर सकते हो। सेकंड हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर। जी हाँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, अगर हमने एक बार स्ट्रक्चराइज कर लिया ऑर्गेनाइजेशन को तो बहुत टफ होता है कि अगेन हम दोबारा उसको रीस्ट्रक्चराइज करें। ठीक है, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चराइजेशन करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें सब डिवाइडेड होती हैं और सब उन सारी चीज़ों को हमने एलोकेट करते हैं। जैसे हम बात करें चाहे फिजिकल रिसोर्स की चाहे ह्यूमन रिसोर्स की, तो अगर आपने एक बार सारी चीज़ों को प्रॉपर स्ट्रक्चराइज कर लिया तो बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस होता है कि अकेन आप द्वारा उसको रिस्ट्रक्चर करें, क्योंकि इसका इफेक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से पड़ता है, उसके गोल्स पर पड़ता है। ठीक है, तो सेकंड है हार्ड एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर। हाउ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इट्स रिसोर्सेज, पीपल, मशीन, मनी। ठीक है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, चाहे हम पीपल की बात करें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मशीन या फिर मनी की बात करें, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेकंड। थर्ड हम बात कर रहे हैं सिस्टम, प्रोसेस एंड डेली एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय पीपल हु वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं एक सिस्टम में काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्द उस सिस्टम को चेंज कर देंगे, तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट किस पे एम्प्लॉयज पे पड़ेगा हमारे। ठीक है, तो जो भी हमने सिस्टम तैयार किया है उस सिस्टम को भी हम एज अ इजीली चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमें इन सब चीज़ों को फॉर्मुलेट करने के लिए डीप में जाना पड़ता है, प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है, तभी जाके हम फाइनली उसको फिर फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इजीली हम बहुत इन सारी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज करेंगे भी तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिस्टम, प्रोसेस एंड डेली एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय पीपल हु वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन एंड टूल दे यूज टू हेल्प देम विद दोज प्रोसेस। ठीक है, तो वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम। तो ये थे ऑर्गेनाइजेशन के हार्ड एलिमेंट्स जो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। हार्ड एलिमेंट्स में हम तीन चीजों की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम। अब आ जाइए सॉफ्ट एलिमेंट्स। सॉफ्ट एलिमेंट्स आर दो that elements which can easily change and modify. First one is style, staff, skills or shared value. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? style की। style क्या है? This is the way organization does things, being culture of the organization. ठीक है, क्या अपनी organization का style है, क्या working style है organization का, किस तरीके से उनको treat किया जाता है, क्या क्या उनके लिए हमने एक तरीके से बात करें, जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब चीज़ों की बात करें। ठीक है, क्या उनका डेली रूटीन है, तो वो हम यहाँ बात कर रहे हैं। सेकंड हम बात कर रहे हैं स्टाफ, एम्प्लॉयज़ हुआ, हाउ दे ग्रो एंड डेवलप। ठीक है, स्टाफ है, स्टाफ में हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ की,
एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं और साथ के साथ हम बात कर रहे हैं उनके ट्रेनिंग की, उनके डेवलपमेंट की, किस तरीके से हम उनको और ज़्यादा ग्रो और डेवलप कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय, सच काइंड ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन द वर्किंग फॉर द वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द जॉब वी हैव टू हायर द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन राइट द राइट पर्सन शुड बी मस्ट बी इन द राइट जॉब। तो इस तरीके से जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जिस भी काम को परफॉर्म करने के लिए, उस टाइप की हम एम्प्लॉय को हायर करते हैं। ठीक है, शेयर्ड वैल्यू एंड कल्चर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के क्या कल्चर हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, और क्या, जैसे सपोज हम बात करते हैं एथिक्स की, तो एथिकली हम कितना सारी चीज़ों को कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा डीप में जाके हम इनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ ये है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो हैं, लेकिन हम इनको टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन थोड़ा बहुत इनमें माइनर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ हमने बात करी हार्ड एलिमेंट्स की और सॉफ्ट एलिमेंट्स की। हार्ड एलिमेंट्स कंप्राइज इन 3 पार्ट्स, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। सॉफ्ट एलिमेंट अगेन कैटेगराइज इन 4 पार्ट्स, स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स, शेयर वैल्यूज। जैसे सपोज यहाँ पे हम बात करें स्टाफ की, द ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट प्रोडक्टिव, तो उस केस में आप क्या करोगे, उनको नोटिस दोगे, उनको वार्निंग दोगे और उनको फायर कर सकते हो, और अगेन न्यू एम्प्लॉयज़ को आप हायर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करा, आप उनको चेंज कर सकते हो। ऐसे क्या है, स्किल्स सच काइंड ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड, तो आप क्या करोगे, ट्रेनिंग, अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग आप क्या करोगे, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाओगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा के अपने एम्प्लॉयज की स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हो। ठीक है, स्टाइल, क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्टाइल है, क्या उनका रूटीन है, ऐसे शेयर्ड वैल्यूज़ हैं। तो ये थे एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी। सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा। ठीक है, व्हाट आर द मेन एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु विच क्रिएट इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था। और या फिर एक इसका जो सेकंड वे है वो इस तरीके से पूछा गया था, इन द स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन विच एलिमेंट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तब आपको ये सारे पॉइंट्स ही डिस्कस करने होंगे हार्ड एलिमेंट्स के बारे में और सॉफ्ट एलिमेंट्स के बारे में। तो कहीं ना कहीं हम बात करें जैसे 7S फ्रेमवर्क जो होता है, जो मैंने आपको बताया था, तो ये पॉइंट्स उसी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, जो मैंने इससे प्रीवियस कुछ लेक्चर पहले एक लेक्चर डिलीवर करा था उसमें मैंने आपको बताया था 7S फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं हम सारे उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं 7S फ्रेमवर्क के।